हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? तो ये मैंने आफ्टरनून में आपसे बात करी थी एंड उसके बाद ये आफ्टरनून में जब मैं फ्री रहती हूँ तो थोड़ा सा चीकू की पढ़ाई देख रही थी, तो नेक्स्ट व्लॉग शुरू कर ली हूँ मैं ये। एंड चीकू का वर्क मैं सुबह कंप्लीट नहीं करा पाई थी, थोड़ा सा पैकिंग वगैरह कर रही थी। आप अगर मेरा लास्ट व्लॉग देखे होगे तो फिर इसलिए मैं अभी उसका वर्क कराने बैठी थी। एंड हाफ एन आवर के बाद उसके क्लासेस भी थे, ऑनलाइन क्लास। तो बस इसको ये वर्कशीट मिली हुई थी, स्कूल से मिली हुई है, तो उसी को सॉल्व कर रहा था वो। लाइक ये होमवर्क भी था एंड रिवीजन भी हो जाता है। तो ये वॉट जो होता है, WHAT, वॉट एक साइट वर्ड है, उसकी वर्कशीट उसे मिली थी। देखिए आप, ये तो डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ रहती है, लाइक कलरिंग रहती है, सर्कल करना रहता है, आइडेंटिफिकेशन रहती है एंड ट्रेसिंग रहती है, तो ऐसे एंड फिल इन द ब्लैंक्स रहता है। ऐसे करके उसे साइट वर्ड्स एंड डिफरेंट वर्ड्स, CVC वर्ड्स भी, ब्लैंड्स भी, तो ये सब कराया जाता है। तो ऐसे आप भी ट्राई कर सकते हैं, बहुत अच्छे रहते हैं ये वर्कशीट्स। आप खुद भी प्रिपेयर कर सकते हैं, बहुत ईजी होता है। लाइक जो चीज़ आपको बच्चों को सिखाना है उसकी वर्कशीट आप प्रिपेयर कर सकते हैं। तो बस ये चीकू का वर्क मैं करा रही हूँ, बहुत अच्छे से कर लेता है वो। मैं एक वीडियो इस पर भी बनाने का सोच रही हूँ, लाइक बच्चों को, आप छोटे बच्चों को कैसे पढ़ाएं एंड छोटे बच्चों को फोनिक्स एंड ब्लैंड्स एंड CVC वर्ड्स एंड हिंदी के भी अक्षर, ओरल, ये सब आप कैसे सिखाएं। तो इस पर मैं सोच रही हूँ वीडियो बनाने का। अगर आपको देखना होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं मुझे, एंड मैं जिस तरह से मेरे बच्चे को पढ़ाती हूँ तो उस टाइप से मैं शेयर करना चाहती हूँ। लाइक मैं कोई प्रो नहीं हूँ, बट बहुत इफ़ेक्टिव होता है एंड मेरे बच्चे के परफॉर्मेंस से आप सोच सकते हैं कि वो कितना ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है, क्योंकि दोनों बच्चे फर्स्ट आते हैं मेरे। तो स्कूल पे तो वर्क मिल जाता है, बाकी जितनी मेहनत रहती है वो सब मेरे को करनी पड़ती है। तो जिस टाइप से मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ, अगर आप देखना चाहते हैं तो मुझे बताइएगा कमेंट करके, मैं शेयर करूँगी उससे। एंड बस ये चीकू का वर्क होने में आ गया है। एक और वर्क मिला हुआ था उसे बुक में, तो उसने वो भी कर लिया। एंड उसके बाद चीनी को, तो चीनी भी साइड में बैठ के पढ़ाई कर रही थी, बट वो अपने आप से कर लेती है, तो चीनी को मैंने दे दिया था वर्क एंड वो कर रही थी। और चीनी का एग्ज़ाम है 2 डेज़ के बाद, लाइक 2-4 डेज़ के बाद, बट चीकू के नहीं है एग्ज़ाम्स। तो बस मैं उसे रेगुलर जो उसका वर्क है वो करा रही थी, बट चीनी अपने जो उसके सिलेबस में है, अभी जो एग्ज़ाम्स में आने वाले हैं, उसका रिवीजन कर रही थी वो। तो बस आफ्टरनून में यही चलता है। एंड मैं अपने व्लॉग में जैसे बताई थी, मैं मायके जाने वाली हूँ, तो उसकी पैकिंग भी मैं शेयर करूँगी बहुत जल्दी। एंड देखिए ये वर्कशीट हो गया है चीकू का। सो गाइस, कैसे हैं आप सब एंड वेलकम बैक। तो मैंने अपना लंच, जो आफ्टरनून रूटीन है, वो शेयर किया आप लोगों से। मैंने लंच में बनाया था नॉर्मल दाल चावल एंड कर्ली फ्लावर की सब्जी, गोभी आलू की सब्जी एंड रायता, बस नॉर्मल रायता, किस कुछ डाला नहीं था मैंने इसमें। एंड बस बाकी मैंने और जो बाकी मेरे काम रहते हैं वो सब दिखाया, बर्तन वगैरह जो माना, क्लीनिंग वगैरह, ये सब जो रहता है थोड़ा बहुत। एंड लंच फिर लिया हम लोगों ने। उसके बाद मेरे हस्बैंड ऑफिस जो जा रखे थे तो फिर वो भी आ गए, तो फिर उनका भी खाना डाला मैंने। सो उसके बाद जैसे मैंने एक क्लिप डाली थी तो आपने देखा, उसमें चीकू अपना वर्क कर रहा था, वो कल का वर्क था। तो कल के वर्क में उसे होमवर्क मिला हुआ था एक्चुअली, तो मुझे इवनिंग में मिलता है वर्क, लाइक क्लास होने के बाद में, तो फिर मुझे उसके बाद टाइम नहीं मिलता। उसके बाद मैं डिनर प्रिपेयर कर, रामायण का पाठ करते हैं हम लोग जैसे आप लोग जानते होंगे, एंड उसके बाद डिनर प्रिपेयर करने चले आती हूँ, देन बच्चों को खिलाना वगैरह, फिर 10-15 मिनट के लिए थोड़ा सा बाहर ऐसे टहलने चले जाती हूँ। अभी तो काफ़ी दिन से नहीं जा रही थी, बट कल चले गई थी मैं। कल अच्छी हवा आ रही थी, तो हवा चल रही थी अच्छी, लाइक बहुत दिन से बारिश हो रही है यहाँ पर, तो अच्छी हवा चल रही थी इसलिए मैं चले गई थी। एंड फिर वहाँ से आई तो वही 10 बजने में आते हैं, ऑलमोस्ट 10 हो रहा था, तो फिर बच्चों का सोने का टाइम हो गया था, तो फिर वही एक मॉम की ड्यूटी, लाइक बच्चों का कपड़ा वगैरह चेंज करा के, ब्रश वगैरह करा के, इन लोग को सिलाई मैं। तो फिर एंड उसके बाद मुझे मेरी पैकिंग करनी थी। मैं जैसे मायके जा रही हूँ बताई थी आपको, तो मैं अपने कपड़े देख रही थी कि क्या मुझे, मेरे पास क्या है या क्या लाने की ज़रूरत है एंड क्या क्या कपड़े लेके जाऊंगी मैं, लाइक थोड़े बहुत प्लानिंग कर रही थी मैं। तो बस मेरे कपड़े मैंने निकाले थे एंड चीनी एंड चीकू के मैं देख रही थी, क्योंकि अभी चीनी के बर्थडे के टाइम पे मैं आजियो से एंड मॉल से भी काफ़ी कपड़े 3-4 ले आई थी मैं, तो सबको मैंने ऑर्गेनाइज़ करके भी नहीं रखा था। तो पहले मैं देख रही थी कि क्या है क्या नहीं,
तो बस फिर सब चीज़ों को निकाल के रखा एक जगह। एंड आज जो मैंने उसकी थोड़ी सी क्लिप बनाई है, बट वो मैं जब मैं लाइक पैकिंग जो प्रॉपर कैसे करें उसका एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, तो उसी में शेयर करूंगी मैं कि अगर आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो कैसे पैकिंग करें। जिस स्टेप से मैं करती हूँ, मैं कोई प्रो नहीं हूँ, बट जिस स्टेप से मैं करती हूँ, एक इंडियन हाउसवाइफ के पास भी बहुत ज़्यादा हैक्स एंड ट्रिक्स होते हैं, तो बस जैसे मैं करती हूँ मैं वही शेयर करूँगी एकदम सिंपल वे में। एंड आप अगर मेरे को फॉलो करते हो तो आपको पता होगा मैं एकदम एक नॉर्मल लड़की हूँ, एक नॉर्मल हाउसवाइफ मिडिल क्लास फैमिली से। तो बहुत एकदम हाई फाइव नहीं दिखाती मैं चीज़ों को, जो प्रैक्टिकल होता है एकदम रियल होता है, रियलिटी बस वही शेयर करती हूँ आपसे। एकदम नॉर्मल लाइफ है मेरी, आप देखे होंगे नॉर्मल खाना बनाती हूँ मैं वही एकदम जो इजी प्रोसेस रहता है, इजी रेसिपीज़ रहती है, वही सब शेयर करती हूँ आप लोग से। एंड अभी भी आप देखिए मैं वीडियो फिल्म करने बैठी हूँ बट मैं बिल्कुल रेडी नहीं हूँ, मुझे घर पे ऐसे ही रहना पसंद है। तो मैं वीडियोस के लिए लाइक कई यूट्यूबर्स रहते हैं अपनी डेली लाइफ भी दिखाते हैं बट एकदम फुल मेकअप में रहते हैं एंड बहुत अच्छे से तैयार होके बैठे रहते हैं, तो मैं इतना शो ऑफ नहीं करती, एकदम रियल जो मैं हूँ मैं वही दिखाती हूँ। एंड कपड़े भी जैसे आप देख सकते हैं मेरे वही तीन चार कपड़े जो रहते हैं रेगुलर वही रहते हैं, क्योंकि मेरे को कंफर्टेबल कपड़े अच्छे लगते हैं। मैं लाइक वीडियो में शो ऑफ करने के लिए रेडी होकर बैठूं एंड एकदम नए नए कपड़े निकाल निकाल के पहनूं तो वो मुझे बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल लगता है। एंड ज़्यादा बहुत ज़्यादा मेकअप एंड लाइक प्रोडक्ट्स यूज़ करके मैं अपनी स्किन भी नहीं ख़राब करना चाहती हूँ, तो इसलिए मैं एकदम नॉर्मल जो मैं रहती हूँ, एक नॉर्मल हाउसवाइफ जैसे रहती है मैं वैसे ही शेयर करती हूँ। तो मैं क्या बोल रही थी, कहाँ पहुँच गई मैं, तो बस मैं फिर क्या बोलते हैं चीकू के वर्क थोड़ा बहुत कराई, उसका कल का बचा हुआ था तो वो फिर हो गया मेरा। एंड अभी 15 मिनट्स है मेरे पास टाइम, आफ्टर 15 मिनट्स चीकू के क्लासेस हैं, तो मैं 15 मिनट्स में थोड़े बहुत और मेरे को एक्सेसरीज निकालनी बची हुई है पैकिंग के लिए, तो मैं वो सब निकाल के रख लेती हूँ। लाइक मेरे कपड़े हो गए, चीनी के कपड़े हो गए, चीकू के कपड़े हो गए एंड चीनी के एसेसरीज हो गई, चीकू के तो ऐसा सच कुछ एसेसरीज रहते नहीं हैं। एंड मेरे थोड़े बहुत इयररिंग्स वगैरह मैं सब छांट के रख लेती हूँ एंड उसके बाद मैं अलग से उसका वीडियो शेयर करूँगी जब पैकिंग करूँगी। तो अभी सिर्फ मैंने निकाल के रखा है, तो पैकिंग करूँगी जब मैं बेड की तरफ देख रही हूँ, बेड पे मैंने निकाल के रखा है और मैं आप देख सकते हैं मैं नीचे बैठी हुई हूँ क्योंकि बेड पे पूरा वो सामान स्टफ जो है पूरा पड़ा हुआ है, तो बस यही है। एंड बुक्स एंड कॉपीज़ बहुत ज़्यादा मेरे को पैकिंग करनी है बच्चों की, तो मैं उसको करूँगी अच्छे से, टाइम लेके करूँगी। तो बस यही सब है, एक अपडेट था। एंड हम लोग बाय कार जा रहे हैं, मेरे मायके जो है मेरे मम्मी के घर, तो यहाँ से मैं जहाँ रहती हूँ मेरे सिटी से 4 आवर्स का लाइक रास्ता है, 3 कभी लाइक 3 आवर्स में ही पहुँच जाते हैं, 3 1/2 आवर मान लीजिए आप, नहीं तो ऐसे मैक्सिमम 4 आवर्स लगते हैं। तो फिर मैं ना अपने एग्जाम की तैयारी कर रही हूँ। यस, अभी मैं आई थी ऊपर तो फिर मैंने बोला चीनी को थोड़ा सा अपना वर्क देखो, उसका फर्स्ट एग्ज़ाम मैथ्स है तो मैथ्स का ही मैंने बोला थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर लो, एंड चीकू की तो क्लासेस रहेगी तो मुझे उसी को देखना पड़ेगा, तो वो मैथ्स का अपना सॉल्व कर रही है प्रॉब्लम थोड़ा बहुत। बाय। एंड क्या बोल रही थी, यस, तो मैक्सिमम 4 आवर्स लगते हैं मेरे मम्मी के घर जाने में, बाय कार जाते हैं हम लोग, ट्रेन भी जाती है बट ट्रेन में ज़्यादा टाइम लग जाता है, लाइक 7 to 8 आवर्स लग जाते हैं। एंड अभी तो लाइक पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सेफ भी नहीं है तो हम लोग बस कार पर ही जाएंगे, मेरा भाई आएगा लेने के लिए एंड मेरी सिस्टर है पुणे में, उसकी शादी हुई है, 6 to 7 months हो रहे हैं उसकी शादी को, तो मेरी सिस्टर पिछले साल ही हुई है ना मासी की शादी। तो वो भी आएगी। एंड हम लोग के में यही रहता है कि अभी लाइक उसकी शादी को 6 to 7 months हो रहे हैं तो 1 साल नहीं हुआ है, तो ये अभी जो सावन आया है ये उसका फर्स्ट सावन है, तो हम लोग के में ये माना जाता है कि फर्स्ट सावन को कोई भी एक जो बहू है, एक नई दुल्हन जो है वो अपने इन लॉज के साथ नहीं रहती, ऐसा है कि
कि सास और बहू एक साथ नहीं रहते, ऐसा बोला जाता है हम लोग के में। तो बस इसीलिए मेरी बहन एक बार भी नहीं आई है शादी के बाद, लाइक वही लॉकडाउन वगैरह हो गया था। तो वो आएगी, तो वो फ्लाइट से बाय बॉम्बे होके आ रही है, वो पुणे से डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है यहाँ पे, तो वो बॉम्बे जाएगी पहले मुंबई, एंड उसके बाद फिर वहाँ से वो आएगी। लाइक बॉम्बे बोला ही जाता है, मुंबई निकलता ही नहीं है, बॉम्बे ही बोला जाता है। तो मुंबई मुंबई से उसके हस्बैंड जो हैं वो ड्रॉप करेंगे उसको, एंड फिर उसके बाद वो फ्लाइट से आएगी यहाँ पे हम लोग के यहाँ से। फिर बस देखते हैं कितना दिन रुकती है वो, मेरे को लग रहा है एक दिन रुकेगी शायद यहाँ पे मेरे ससुराल में, एंड उसके बाद फिर मैं और वो दोनों एक साथ मम्मी के यहाँ जाएंगे मायके। ये नानी घर, तो चीनी जी को तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। इन लोग के फैब में एग्ज़ाम्स हो जाते हैं, लाइक जो एनुअल एग्ज़ाम रहते हैं फैब में ख़त्म हो जाते हैं, तो उसके बाद से कंटिन्यूसली लाइक इन लोग मेरे को पहले भी बोलते थे ना कि नानी के घर कब जाएंगे, नानू घर कब जाएंगे, तो मैं इन लोग को यही बोलती थी कि जब एग्ज़ाम्स ख़त्म हो जाएंगे तो फिर वेकेशन लग जाता है, तो फिर मैं इन लोग को यही बोलती थी कि एग्ज़ाम्स ओवर होने के बाद पे वेकेशन जब होएंगे तब चलेंगे। बट उसके बाद लॉकडाउन हो गया तो नहीं जा पाए हम लोग, एंड मेरी सिस्टर भी नहीं आ पाई। तो बस फिर हम लोगों ने वही प्लान किया था कि दोनों साथ में जाएंगे, एंड बच्चों का भी मन लग जाता है ऐसे में, बच्चे भी फिर अपनी मासी से मिल लेते हैं। तो आई लव मासी, यस, तो मासी बहुत क्यूट है। मैं देखती हूँ मायके में जाऊँगी तो अगर ब्लॉगिंग करूँगी, तो नहीं तो आप प्लीज़ मुझे एक्सक्यूज़ कर दीजिएगा अगर मैं प्रॉपर ब्लॉगिंग नहीं कर पाऊँ वहाँ पे, तो बट मैं ट्राई करूँगी वहाँ पे भी ब्लॉगिंग करने का। एंड मेरे मम्मी पापा भैया भाई लाइक मेरे छोटा भाई है, तो मेरे भाई मेरी भाभी सबसे मिलाने के लिए, मेरा भतीजा है बहुत क्यूट, उसका नाम जय है, हाँ 3 ईयर्स का होगा वो अभी, तो उससे भी मिलाने की सबसे कोशिश करूँगी मैं। एंड बस वही है, एंड एक चीज़ और है कि पैकिंग मैं मायके के लिए कर रही हूँ अभी, तो मायके में तो यही चीज़ है कि सब चीज़ अवेलेबल रहती है, तो मैं कुछ चीज़ जानबूझ के नहीं लेके जा रही, कई चीज़ बताऊँगी मैं आपको जब पैकिंग का प्रॉपर दिखाऊँगी तो। एंड कहीं और अगर मैं जाती हूँ तो A to Z सामान मेरे पास मिल जाता है, लाइक किसी हर कोई किसी को भी पता होता है कि अगर किसी के पास सुई धागा नहीं है तो मेरे पास ज़रूर मिलेगा वो, अगर किसी के पास क्लोथ वाली क्लिप जो रहती है, हैग जो रहता है ना, चिटकनी जो बोलते हैं कपड़े वाली जो वो रहती है क्लिप, तो वो अगर किसी के पास नहीं है, यस वो अगर किसी के पास नहीं है तो वो मेरे पास मिल जाएगा, ऐसे सबको पता रहता है। तो कहीं और जाना रहता है तो मैं प्रॉपर एक एक सामान लेकर जाती हूँ, याद से एक एक सामान रख के जाती हूँ, कुछ भी सामान मिस नहीं होता है मेरे से। बट अभी मम्मी के यहाँ जा रही हूँ तो बहुत लिमिटेड सामान लेके जाती हूँ मैं, क्योंकि जो सामान मैं जानबूझ के नहीं लेके जाती कि ये सब सामान वहाँ तो मिल ही जाएगा, इसलिए तो बच्चों के जो स्टडीज़ रिलेटेड सामान है वो मैं एक भी मिस नहीं करती, वो अच्छे से लेके जाती हूँ। बाकी सब चीज़ें लाइक क्लोदिंग एंड सब चीज़ें मैं एकदम कॉम्प्रोमाइज़ करके लेके जाती हूँ, बहुत मिनिमम चीज़ें लेके जाती हूँ। एंड एक चीज़ और कि मैं बिल्कुल भी अपने किसी भी कपड़े में प्रेस नहीं किया है मैंने, और मेरे बच्चों के भी किसी भी कपड़े में मैंने प्रेस नहीं किया है, क्योंकि मम्मी के यहाँ जाने से तो लाइक डेली में ही पहनना रहता है कपड़ा ऐसा है, और अगर मेरे को टाइम मिला तो मैं वहीं जाके प्रेस कर लेती हूँ कपड़े। लाइक एक दिन बैठूंगी तो मेरे जितने हैं कपड़े 8-10 कपड़े दैन चीनी के दैन चीकू के ऐसे करके मैं सब प्रेस करके रख देती हूँ वहाँ पे कबड़ में, एंड यहाँ से प्रेस करके लेके नहीं जाती। बट कहीं और जा रहे हैं अगर ट्रैवलिंग में हम लोग लाइक वेकेशन पे जा रहे हैं या कहीं भी वेडिंग पे जा रहे हैं कुछ भी किसी रिलेटिव के यहाँ, तो उस टाइम तो प्रॉपर प्रेस करके लेके जाना पड़ता है कपड़े, तो 2-3 दिन पैकिंग के 2-3 दिन पहले से ही मैं प्रेस करना कपड़े को शुरू कर लेती हूँ, क्योंकि कंटिन्यूसली प्रेस तो कर नहीं पाते, इतना ज़्यादा टाइम नहीं रहता है। तो फिर जैसे जैसे मेरे को टाइम मिलता है वैसे वैसे मैं थोड़े बहुत कपड़े निकाल निकाल के प्रेस करके उसे डालते लाइक पहले सिलेक्ट कर लेती हूँ क्या लेके जाना है मुझे, एंड उसके बाद उसे प्रेस करके डालते जाती हूँ रखते जाती हूँ, तो एक ऑर्गेनाइज्ड वे में सब काम होता जाता है। तो वही, बट अभी मम्मी के यहाँ जाना है तो मैं किसी भी कपड़े में प्रेस नहीं करती हूँ, वहीं पर बैठ के अच्छे से कर लूँगी। एंड
बस यही है, अभी क्लास शुरू होगी बस चीकू की। चीकू चीनी को परेशान कर रहा था तो मैंने उसे दूसरे रूम में भेज दिया है, वहाँ पे उसके टॉयज़ रखे हैं, तो मैंने बोला वहाँ पे खेल लो। एंड हस्बैंड वापस गए ऑफिस, खाने के लिए आए थे, देन वापस चले गए। बहुत तेज तो ही सॉरी बहुत तेज़ बारिश हो रही है यहाँ पे, एंड वापस चले गए, वो काम था उनको तो। एंड फादर इन लॉ एंड मदर इन लॉ सो रहे हैं आफ्टरनून में जो सोते हैं, तो बस यही है। एंड ठीक है, चीनी का भी थोड़ा सा वक्त देख लेती हूँ मैं, फिर तो मेरा टाइम ऐसे ही निकल जाएगा, फिर बात करते हैं। हाय, मैं पढ़ाई कर रही हूँ। चीनी जब छोटी थी तो उसके मैं क्वेश्चंस उसको सिलेक्ट करके देती थी, लाइक किसी ने एक दिन सम किसी कुछ दे दिया मैंने उसे करने के लिए, किसी दिन सब्ट्रैक्शन दे दिया, ऐसा कुछ कुछ मैं उसे प्रॉब्लम देती थी। मैथ्स की बात कर रही हूँ मैं, तो वो उसे बैठ के सॉल्व करती थी। बट अभी चीनी थोड़ी बड़ी हो गई है तो मैंने उसे लाइक क्वेश्चन पैटर्न जो है वो मैंने बता दिया है, जो भी सिलेबस है उसका। एंड उसके बाद मैंने उसे बोला कि तुम एक भी लाइक एक एक क्वेश्चन खुद ही सिलेक्ट कर लो बुक से या कॉपी से जो मैम ने कराए, अपने मन से कुछ भी रैंडम नंबर लिख लो। एंड उसके बाद यहाँ पे मैंने लिख के दिया है क्या क्या करना है उसके, क्या क्या आएंगे क्वेश्चन। यस, तो वो उसके अकॉर्डिंग अपने मन से लाइक क्वेश्चन लिख के बना रही है, तो ये अच्छी चीज़ हो गई। नहीं तो पहले मैं चीनी को खुद से बैठ के एक एक क्वेश्चन करवाती थी तो मेरे को डबल मेहनत हो जाता था, लाइक चीनी का भी हो जाता था एंड चीकू का वर्क भी हो जाता था। बट दिस ईयर, इस साल से ही मैं ये चीनी को बोली हूँ कि अभी क्लास 5 में आ गई है तो अभी कर सकती है वो, तो बस वही करने बैठी है वो। ठीक है, चलो मैं चीकू को बुला लेती हूँ। सो गाइस, चीकू की क्लास अभी ओवर हुई है एंड पूरा मैच जो फैला हुआ था नीचे, उसके बुक्स कॉपीज एंड आर्ट एंड क्राफ्ट का सब सामान एंड कलरिंग वगैरह सब बुक्स एंड कॉपीज सब पड़ी हुई थी, सबको मैंने रखा। एंड ये सब सामान है मैंने निकाला है, ये जाने वाला लाइक ये क्लोथिंग्स एंड ये एक्सेसरीज एंड थोड़े बहुत तो जो डेली नीड्स के सामान हैं वो मैं सेम डे ही रखूँगी, तो मैं अलग से सेपरेट इसका अच्छे से वीडियो बनाऊँगी। बट अभी बस मैंने निकाल के रखा है, पैक नहीं किया है। एंड बस वही अभी क्लासेस हो गए हैं चिकू के, तो वही इवनिंग का टाइम हो रहा है, 7 बजने वाले हैं। बस मैं नीचे जा रही हूँ एंड क्या बोलते हैं, कल पंचमी है तो पंचमी को हम लोग के यहाँ, इसे नाग पंचमी बोलते हैं, तो पंचमी में हम लोग के यहाँ ठंडी रोटी खाते हैं लाइक बासी खाते हैं, तो अभी जाऊँगी एंड बनाऊँगी। वो भी मेरी थोड़े बहुत हेल्प करते हैं, लाइक अगर मैं कढ़ाई की पूरी बनाऊँगी तो वो मुझे बेल कर दे देंगे एंड मैं फ्राई कर लूँगी एंड सब्जी काट के दे देंगे, ऐसे थोड़ी बहुत हेल्प कर देंगे वो भी। एंड बाकी रोटी वगैरह सीखना ये सब तो मैं करूँगी, आटा लगाना एंड ऑल, सब्जी बनाना एंड ऑल। तो बस जा रही हूँ, देख पूछूँगी पहले क्या क्या बनाना है, मुझे इतना आइडिया नहीं रहता है लाइक पूजा वगैरह में फेस्टिवल वगैरह में क्या क्या ऑथेंटिक बनता है, इसलिए तो बस पहले उनसे पूछूँगी फिर क्या क्या बनाना है एंड फिर उस हिसाब से बनाऊँगी। एंड डिनर भी मुझे प्रिपेयर करना है साथ के साथ, तो 2-3 घंटे तो मुझे लग ही जाएंगे। एंड बस जा रही हूँ। एंड आज जो मेहंदी का नुआ भी करते हैं हम लोग, मेहंदी के लाइक जो ये टिप है उसमें मेहंदी लगाते हैं एंड अच्छे से आप मेहंदी लगा भी सकते हैं बट इतना टाइम नहीं रहेगा। एंड मैं रात को बन लगाऊंगी तो 10 बजे 11 बजे लगाऊंगी, तो इतनी पेशेंस नहीं रहेगी कि मैं उसे लगाने बैठूँ। तो बस जा रही हूँ डिनर प्रिपेयर करने एंड कल नागपंचमी रहेगी तो उसके पूजा का भी मैं देखती हूँ, बाद में शेयर करूँगी, अभी तो पहले मैं बनाने जा रही हूँ। सो गाइज, मैंने मेरी मदर इन लॉ से पूछा कि क्या बनाना है, तो उन्होंने मुझे बोला आलू की रसे वाली सब्जी बना ले टमाटर डाल के, तो मैं वही बना रही हूँ, उसकी तैयारी कर रही हूँ। तो थोड़े से करी पत्ता लिया है मैंने, दोनों 2-3 हरी मिर्च ले लिया है, उसे मैं बीच से कट लगा लूँगी एंड 5-6 टमाटर ले लिया, उसे रफली चॉप कर लूँगी। एंड कुकर में बना रही हूँ मैं, तो कुकर में सिर्फ नॉर्मल 1-2 टेबल स्पून ऑयल डाल दिया एंड उसमें नॉर्मल मस्टर्ड सीड्स एंड जीरा दैन करी पत्ता हरी मिर्च एंड थोड़ा सा कसूरी मेथी एंड सूखे मसाले हल्दी पाउडर लाल मिर्च पाउडर धनिया पाउडर ये सब डाल दिया एंड टमाटर डाल दिया, हल्का सा नमक डाल दिया, टमाटर अच्छे से सिक गया तो मैश हो गया अच्छे से। तो उसके बाद मैं अभी ये आलू डाल रही हूँ एंड उसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। एंड आलू डालने के बाद ये फ्रोज़न मटर रखे थे थोड़े से हैं,
ज़्यादा क्वांटिटी नहीं थी बट थोड़े से मैंने डाल दिया, आलू मटर की सब्ज़ी हो जाएगी, इसलिए आलू मटर की सब्ज़ी अच्छी लगती है, ज़्यादा शौक से खाते हैं सब। तो ये बस मटर को भी इसी में मैंने डाल दिया एंड कुकर में पकाना है। और ये मटर तो गले हुए रहते हैं तो ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है, बट कुकर में एक साथ ही पक जाएगा इसलिए मैंने डाल दिया। एंड बहुत मेरे को हड़बड़ी भी थी इसलिए मैं कुकर में बना रही हूँ नॉर्मल सब्ज़ी, नहीं तो मैं अच्छे से ग्रेवी बना के बनाती। एंड मैंने इसमें 2 ग्लास पानी डाल दिया, थोड़े से रस्से वाली लाइक क्या बोलेंगे, थोड़ी सी ड्राई सब्जी नहीं है, थोड़ी सी ग्रेवी वाली सब्जी रहेगी इसलिए थोड़ा सा पानी डाल दिया मैंने 2 ग्लास। एंड सॉल्ट अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना है। एंड मैंने आमचूर पाउडर भी डाल दिया था, 1 टीस्पून डाल दिया था। एंड ये गरम मसाला डाल रही हूँ मैं 1/2 टीस्पून। बस ये नॉर्मल सी सब्जी है बट खाने में बहुत टेस्टी लग रही थी। एंड क्विक में अगर आपको बनाना है तो ये सब्जी आप बना सकते हैं। मैं को जिस दिन हड़बड़ी रहती है मैं ऐसे ही बनाती हूँ एंड बिल्कुल डिफरेंस पता नहीं चलता है कि आपने कढ़ाई में बनाया है या कुकर में बनाया है। बहुत टेस्टी लगती है, आप एक बार ट्राई करके देखिएगा। इसे नॉर्मल सी सब्जी है। एंड डिनर की तैयारी कर रही थी मैं तो उसके बाद बस आटा लगा लूँगी। देखो ये मेरा कुकर थोड़ा सा ख़राब हो गया तो ये जुगाड़ करके लगा रही हूँ मैं। एंड इसे नॉर्मल 2 सीटी लगा लेना है तो बस सब्जी रेडी हो जाएगी। एंड फिर सब रामायण का पाठ करने के लिए बैठे थे, मैं तो नहीं कर पाई कल क्योंकि बहुत सारा काम था मुझे किचन में। तो मैं ये डिनर के लिए आटा लगा रही हूँ तो इसे मैंने अपने अंदाजे से जो भी मैं डेली लेती हूँ आटा उतना ही ले लिया, मिक्स वाला आटा है ये। एंड आटा लगा के मैंने नॉर्मल फुलके जो रहते हैं वो सेक लिया। एंड तब तक सबका रामायण का पाठ हो गया था। एंड उसके बाद मीठे भजिया भी बनाना था, मम्मी ने बोला था गुलगुला जो होता है मीठा भजिया, तो वो उन्होंने मिक्स करके रख दिया था उसका बैटर, मैं आगे बताऊँगी क्या डाला था उसमें। सो डिनर के लिए नॉर्मल फुलके एंड आलू मटर की सब्ज़ी मैंने बना के रख दिया था। एंड उसके बाद अभी गैस को सब क्लीन कर लिया एंड कल का जो बासी है उसके लिए बना रहे थे। तो इसमें ये बैटर रेडी कर दिया था मेरी मदर इन लॉ ने, इसमें उन्होंने डाला था गेहूं का आटा, 2-3 कटोरी ले लिया था अपने अकॉर्डिंग। एंड उसमें गुड़ भी डाल सकते हैं, शक्कर भी डाल सकते हैं, उसको भी अगेन ऐसे अंदाजे से ले लिया था। एंड थोड़े से सौंफ डाल दिए थे, साबुत सौंफ जो रहता है वो। एंड एक दो चम्मच दही डाल दिया था जिससे वो सॉफ्ट बने, इसमें सोडा डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। एंड अच्छे से बस मिक्स कर लेना है, फेंट लेना है उसे एंड नॉर्मल भजिया के जैसे उतार लेना है। तो ये नमकीन भजिया ना हो के मीठे भजिया रहते हैं, बहुत टेस्टी लगते हैं एंड मेनली कई फेस्टिवल्स में बनते हैं हम लोग के यहाँ। तो एक बार मैंने डाला, 2 बैचेस में डाला था, एक बार और थोड़ा सा बनेगा तो उसे बाद में डालूंगी मैं। बस इसे फिर एकदम डार्क ब्राउन कलर होने तक फ्राई कर लेना है एंड ये बहुत टेस्टी लगता है। एंड गुड़ डाल दो तो थोड़ा हेल्दी बन जाता है, शक्कर का भी बनता है बट कई बार गुड़ का बना लेते हैं हम लोग एंड कई बार शक्कर का भी बना लेते हैं। तो बस ये हो गया था। एंड उसके बाद पूड़ी बनाना था, कढ़ाई की पूड़ी जो होती है छोटी पूड़ी। तो चीकू का क्लास था तो मुझे लेट हो गया था जाने में, नहीं तो मैं 4-5 बजे जाके बना लेती हूँ आटा लगा के पूड़ी के लिए। तो मुझे लेट हो गया था इसलिए मम्मी ने इस बार लगा दिया था आटा, नहीं तो मैं ही लगाती हूँ। तो इसमें बस नॉर्मल गेहूं का आटा लिया है एंड दूध के ऊपर जो फ्रेश क्रीम रहती है वो डाल देते हैं हम लोग, 1/2 कटोरी के जैसे अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, उससे बहुत सॉफ्ट बनती है पूड़ी। एंड अजवाइन के दाने डाल देते हैं थोड़ा सा। एंड कभी कभी अगर दूध सफिशिएंट अमाउंट में रहता है तो दूध एंड पानी को मिक्स करके आटा लगा लेते हैं हम लोग, नहीं तो मलाई अगर अच्छी क्वांटिटी में डाल दें तो सिर्फ मलाई डालने से भी सॉफ्ट पूड़ियाँ बन जाती है। तो बस ये पूड़ी भी रेडी थी। गाइस वेलकम बैक। एंड मैंने आपसे बात करी थी जब मैं डिनर प्रिपेयर कर रही थी तब, तो जैसे आपने देखा डिनर में मैंने आलू मटर की सब्जी एंड नॉर्मल फलका बनाया था मिक्स वाले आटे का। एंड और कल जैसे मैंने बताया था ठंडा खाना है तो उसके लिए मैंने कढ़ाई की पूड़ी एंड मीठे भजिए जो रहते हैं गुलगुला वो बनाया। एंड वही आलू मटर की सब्जी कल भी खा लेंगे, मैंने ज़्यादा बना लिया था तो मैंने उसे 2 भाग में डिवाइड कर लिया, लाइक 1 कटोरा उठा के रख दिया मैंने कल के लिए। अभी बस सब रख के आई हूँ, पूरी को रख दिया कवर करके अच्छे से पेपर वगैरह लगा के। एंड सब्जी को कुकर में जैसे मैंने बनाया था तो उसे खाली करके दूसरे कंटेनर में एक बाउल में निकाल के फ्रिज में रख दिया। एंड मीठा भजिया जो रहता है उसका बैटर मेरे मदर इन लॉ ने रेडी किया था तो उसमें मैं पहले भी आई थिंक हाँ पहले भी मैंने शेयर कर रखा है, जब शीतला अष्टमी जब रहती है ना तो उस टाइम भी गुलगुला बनता है, गुलगुला बोलते हैं हम लोग उसे, मीठा भजिया रहता है वो बेसिकली। तो
जो नॉर्मल भजिया रहता है उसमें नमक डालते हैं, बट ये मीठा भजिया है तो इसमें शक्कर या गुड़ डालते हैं। हम लोग गुड़ डाल लेते हैं, थोड़ा हेल्दी हो जाते हैं, एंड नहीं तो शक्कर से भी बनता है। तो उस टाइम मैंने शेयर किया था जब शीतला अष्टमी की का व्लॉग मैंने शेयर किया था, तो उसमें बताया था मैंने। तो एक बार फिर से शेयर कर दे रही हूँ कि क्या था उसमें। लाइक अपने जितना अमाउंट आपको बनाना है क्वांटिटी, उसके हिसाब से आप आटा ले लें। तो मेरी मदर इन लॉ ने आई थिंक 2 कटोरी या 3 कटोरी आटा लिया होगा, एंड उसके बाद उसमें थोड़ा सा सौंफ डालते हैं, साबुत सौंफ, एंड थोड़ा सा गुड़ डालते हैं, एंड नॉर्म एंड थोड़ा सा दही, लाइक 1 to 2 टीस्पून कर्ड डालते हैं उसमें, जिससे वो थोड़ा सॉफ्ट बन जाए, एंड इसमें सोडा वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं है। तो बस यही, एंड उसके बाद नॉर्मल भजिया की जैसे बना लेना है, जैसे मैंने दिखाया था आपको, तो नॉर्मल भजिया की जैसे बना लेना है। एंड पूड़ी का आटा में भी हम लोगों ने बहुत सारा मोयन डाला था, लाइक जो फ्रेश क्रीम रहती है दूध के ऊपर आती है, फ्रेश क्रीम वो डाले थे। एंड और बस जो नॉर्मल अभी डिनर में खाने के लिए जो रोटी मैंने आटा लगाया था, तो वो तो नॉर्मल था, उसमें मैंने कुछ भी मोयन वगैरह नहीं डाला, एंड नॉर्मल नमक डाला था बस। एंड मिक्स आटे का आटा था वो, बैटर लाइक डो जो था वो मिक्स आटे का था, थोड़ा सा जौ का आटा, थोड़ा सा चावल आटा, थोड़ा गेहूँ का आटा, थोड़ा सा बेसन, एंड क्या बोलते हैं, बस फुल्का सेका था मैंने। बट इतना मतलब बारिश हो रही है बाहर, एंड ठंडा वाला मौसम हो गया है एकदम, तो सबको पूड़ी खाने की इच्छा हो रही थी, तो फलका सेका था मैंने। उसके बाद भी सबने दो दो तीन तीन पूड़ी ली, तो पूड़ी बहुत शौक से खाया सबको। यहाँ सब्जी कुकर में बनाया था मैंने, बहुत क्विक बन गया था जैसे आपने देखा, कुछ भी ग्रेवी वगैरह कुछ नहीं बनाया, नॉर्मल टमाटर को काट के मैंने बनाया था, एंड बहुत सिंपल भी, लाइक कुछ भी इसमें खड़े मसाले या अगर बहुत ज़्यादा स्पाइसी ऐसा कुछ भी नहीं किया था मैंने तामझाम, बट बहुत टेस्टी लग रही थी सब्जी, एकदम क्विक जब रहता है तो मैं इस टाइप से बना लेती हूँ कई बार सब्जी, तो बहुत टेस्टी लग रही थी। एंड बस चीनी को पूड़ी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो चीनी अपना डिनर कर ली थी जब मैंने पूड़ी उतार ली थी मैं, तो तब चीनी खा ली थी फलके एंड आलू मटर की सब्जी। बट उसके बाद फिर पूड़ी उसको पसंद है, तो उसने मुझे से मंगा एक पूड़ी कि मम्मा एक पूड़ी अचार के साथ दे दो, तो पूड़ी खाया उसने एक। चीकू नहीं खाया था, उसको लाइक बिल्कुल खाने का शौक नहीं है, तो उसने नहीं खाया था पूड़ी, बस एक फलका खाया वो। एंड ये चीनी आ गई, क्या बोल रही, मुझे मेहंदी लगाना है, मुझे भी लगाऊंगी। तो क्या हुआ, आए हैं चीनी एंड चीकू, शैतान बच्चे इन लोग। मैंने इन लोगों को बोला कि क्या बोलते हैं, नहीं ऐसे ऐसे, एक मिनट बेटा एक मिनट। इन लोग टीवी देख रहे थे, वागले की दुनिया जो आता है प्रोग्राम वो देख रहे थे, तो मैंने इन लोग को बोला चलो सुला देती हूँ, तो चीनी ने बोला अभी से, अभी तो 9:30 भी नहीं हुआ है। तो फिर मैं आ गई ऊपर, इन लोग को मैंने बोला चलो नहीं सोना है तो ठीक है, एंड क्या बोलते हैं, फिर मैं आ गई ऊपर, तो इन लोग मेरे को एक्चुअली मेहंदी लगानी है अभी, जो नागपंचमी की कल पूजा है तो उसमें हम लोग मेहंदी भी लगाते हैं, तो मैं प्रॉपर जो मेहंदी लगाते हैं ना वो नहीं करने वाली। कौन कहा रखी बेटा, मैं मुझे क्या होगा, देखो टेबल के ऊपर है क्या, मेहंदी मेहंदी क्या बेटा टेबल के ऊपर, ये रहा ये रहा, ये है मेहंदी की कोन। तो मेरे पास एक ही कोन है, एंड मेरी मदर इन लॉ के पास 2 कोन और रखे हुए हैं, तो बस मैं सोच रही हूँ जो ये टिप रहता है ना इसमें सिर्फ मेहंदी लगा लूँ, क्योंकि अभी बच्चों का कपड़े वपड़े चेंज करवा के उन लोग को सुलाऊंगी, एंड उसके बाद फिर लगाऊंगी, तो फिर लगाऊंगी तो बहुत लेट हो जाएगा, एंड उसको सूखने, बारिश भी हो रही है बाहर तो उसको सूखने में भी फिर 1 घंटा लग जाएगा, तो देखती हूँ मैं क्या करती हूँ, अगर लगाऊंगी मेहंदी, अगर मेहंदी लगाऊंगी तो मैं शेयर, हाँ बेटा, तो मैं शेयर कर लूँगी आप लोग से। एंड चीनी को मेहंदी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो चीनी बोल रही है मैं भी लगाऊंगी, और मुझे सोलर सिस्टम वाली लगानी है। ओके
उस पे बीच पे समय यहाँ पर थोड़े से प्लैनेट है, जैसे यहाँ अर्थ, यहाँ पर सैटर्न। सैटर्न ने कैसे होता बताओ? ये मेहंदी संतोष शगुन की है। दिखा एक बार दिखा, इस पे लिखा क्या? बारिश हो रही है बाहर, तो मैं बच्चों को नहीं लगाना चाहती क्योंकि फिर ठंडा हो जाता है इन लोगों को, छींक सर लाइक कोल्ड हो जाता है इन लोगों को, तो मैं मम्मा अच्छा लगा दूंगी। अरे मम्मा को मस्का लगा रहे हैं इन लोग तो ठीक है। बस अभी इन लोग का तो प्रोग्राम नहीं है सोने का, बट मैं इन लोगों के कपड़े वपड़े चेंज करा के ब्रश वगैरह बाकी काम कर लेती हूँ, देन इसके बाद उन लोग को मेहंदी लगा दूंगी थोड़ा सा, एंड मैं भी फ्रेश हो जाती हूँ। मैं जस्ट किचन से निकली हूँ अभी, एंड डिनर लिया था मैंने, डिनर ले लिया है। मुझे भी पूड़ी बहुत ज़्यादा पसंद है तो मैंने भी खाया दो पूड़ी, बहुत टेस्टी लग रही थी। मैंने ना मीठा चार पहले ऐसे सर्कल पूरी खोल दी थी पूरी, फिर उस पर मीठा चार का रस डाल दी, फिर रोल कर दिया और ऐसे खाई, क्या मस्त लगा। चीनी को भी पूड़ी बहुत ज़्यादा पसंद है तो वही बस खाए हम लोग, एंड अभी लगाऊंगे, एंड मूंग चना भी भिगाते हैं हम लोग। सुबह पूजा करेंगे, मुझे प्रॉपर प्रोसेस ठीक से याद नहीं रहता तो मैं कहीं कुछ गलत ना बता दूं, इसलिए मैं नहीं बता रही अभी। बट वही सुबह पूजा करते हैं, ये नाग पंचमी है तो नाग देवता की पूजा रहती है, एंड दिन भर ठंडा खाते हैं तो दिन में ठंडा खाते हैं तो सुबह खाएंगे एंड दोपहर को भी खाएंगे। बट सारे साथ की हाँ, बट मेरी मदर इन लॉ ने बोला कि रात को तो गरम खा लेंगे, जैसे विष्णु जी के सांप, शिव जी के गले के सांप। आप इधर आओ, बिल्कुल दिख ही नहीं रहे। ये लो 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 माय गॉड। तो व्हाट आई वाज सेइंग, व्हाट, हाँ तो वही फिर मेरी मदर इन लॉ ने बोला कि नाइट में गरम खा लेंगे, तो बस वही है, देखती हूँ मैं कल का व्लॉग शेयर करूँगी। तो वेरी हॉट, वेरी हॉट, व्हाट इज वेरी हॉट, वो गरम खाएंगे ना, तो वेरी हॉट ठंडा खाएंगे, सॉरी वेरी कोल्ड, वेरी कोल्ड, बर्फ खाएंगे क्या, आइसक्रीम खाएंगे, वेरी कोल्ड, वेरी कोल्ड, इसको टेबल पे रख। ठीक है चलो लोके, मैं कपड़े वपड़े चेंज करके फिर मेहंदी वाला प्रोसेस दिखाती हूँ। ओके बाय बाय, अब मुझे भी मेहंदी लगाना है। ओके बाय। सो गाइस रात के 11 बज गए हैं एंड सब सोने चले गए हैं, 9:30 तक सब सो जाते हैं। मेरी मदर इन लॉ भी अभी अब मेहंदी लगा रखे थे तो वो भी गए हैं, उनको गए को भी 15 मिनट्स हो गए, एंड मेरे हस्बैंड भी सोने चले गए हैं, एंड मैं बच्चों को सुला कर आई, एंड उसके बाद अभी ये मेहंदी का फ़ोन मैं लेके बैठी हूँ तो अभी लगाऊंगी मैं। बिंदी मैंने निकाल दिया, लाइक मैं फेस वॉश करके आ गई हूँ, बस सिर्फ नाइट ड्रेस नहीं पहना क्योंकि मैं नीचे बैठी हुई हूँ, एंड मेरे फादर इन लॉ आ जाएंगे बीच में अगर वॉशरूम जाने या कुछ, तो इसलिए मैंने कपड़े चेंज नहीं किया है। अभी मेहंदी लगा लूँगी, इसके बाद हाफ एन आवर उसे रख लूँगी, तब तक मैं टीवी ऑन कर लेती हूँ, टीवी देखते देखते कर लूँगी। सिर्फ नुआ करना है मुझे, जब सिर्फ यहाँ पे टिप पे लगाना है, मेरे को यहाँ पे मेहंदी लग गई है, मैंने कट किया उसको कोन को, तो एंड बस सिंपल सा लगाऊंगी मैं, किसी और दिन शेयर करूंगी अच्छे से मेहंदी लगाऊंगी मैं तब। आज तो बहुत काफ़ी लेट हो गया है एंड थक गई हूँ मैं, थोड़ा पैकिंग वगैरह सब कुछ भी ज़्यादा काम हो गया, तो एंड ठंडा ठंडी रोटी भी बनाना था जो बासीड़ा का, लाइक बासीड़ा नहीं है, बासी रोटी बनाना था पंचमी के लिए, तो काम थोड़ा ज़्यादा ही हो गया है, तो बस थक गई भी हूँ मैं, एंड अभी पेशेंस नहीं है और अभी तो नेक्स्ट टाइम कभी मैं और लगाऊंगी तो शेयर करूंगी सिंपल सा प्रोसेस। मैं कोई बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं हूँ मेहंदी में, बट बेसिक मेहंदी लगाना मुझे आ जाता है, तो मैं जिस टाइप से मैं लगाती हूँ मैं शेयर करूंगी किसी दिन। आज मैं नॉर्मल से लगा लेती हूँ एंड फिर मिलते हैं। सो गाइस देखो, मैंने ऐसे ही बोला था आपको, ये जो मिडिल में ऐसे सर्कल मैंने बनाया है ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, एंड ये मैं कब से बनाती हूँ
पहले तो मुझे लाइक मेहंदी अगर नहीं लगाना है तो भी मैं पतली सी बेल बना लेती थी, लाइक जो अरेबिक मेहंदी रहती है वैसा लगा लेती थी। बट फिर जब से वो गाना आया था ना करीना कपूर का, जब से देखा है मैंने तेरे हाथ का शान, तो ऐसे वो ऐसे गोरे गोरे हाथों पर मिडिल में मेहंदी से चांद बना हुआ रहता है, तो वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो तब से मैं ऐसा बनाती हूँ। एंड ये जब मेहंदी निकल जाएगी, जब इसका कलर आएगा अच्छा, अच्छे से बच जाएगी, तब बहुत सुंदर लगता है ये चांद ऐसा। एंड पीछे हम लोग के बन बोलते हैं कि लाइक बैक हैंड जो है उसे वो ऐसे ही ओपन नहीं छोड़ना चाहिए, उसमें कुछ ना कुछ लगाना चाहिए। तो उसे बोलते हैं भाई की बेल बनाना। तो ये देख सकते हैं आपने, मैंने दो लाइन खींची है सिंपली, कुछ भी मैंने डिज़ाइन नहीं बनाया। तो ये अब सिर्फ ऐसा भी बना लोगे तो ठीक है, बट खाली नहीं छोड़ना चाहिए, तो बस मैंने ऐसे ही कर लिया। एंड अभी हो रहे हैं 11:30, मैं हाफ एन आवर के लिए और रखूँगी। एंड एक और हाथ से मैंने कैमरा पकड़ा हुआ है, उसमें मैंने नहीं लगाया है, सिर्फ एक ही हाथ में लगा रही हूँ अभी। दूसरे हाथ में खुद से बनता भी नहीं है, एंड कोई है भी नहीं जो मेरे को लगा के दे। चीनी रहती है तो लगा देती है, बट वो भी सो गई है। एंड मैं थोड़ी सी एडिटिंग करने लग गई थी मेरा वीडियो, तो इसलिए मुझे लेट हो गया, नहीं तो मेरे काम तो 9 बजे तक फिनिश हो गए थे। एंड बस महारानी वेब सीरीज़ मैंने लगा रखा है, देखो। तो वेब सीरीज़ के मैंने 5 एपिसोड्स देख लिए। एंड टोटल कितने एपिसोड्स हैं मुझे आइडिया नहीं है, बट मैं अभी 6th एपिसोड देख रही हूँ। अच्छी लग रही मुझे ये मूवी। एंड हुमा कुरैशी तो बहुत कमाल लगी है इसमें। मैं लाइक हर दिन जब मैं नाश्ता के टाइम पे एंड लंच के टाइम पे ऐसे 10 मिनट्स 15 मिनट्स ऐसे कर करके मैंने 5 एपिसोड्स देख लिए। तो अभी मैं ये मेहंदी जब तक अपना काम कर रही है तब तक मैं एक वीडियो देखती हूँ, लाइव करूँगी। काफ़ी लेट हो गया है, बट आज मेरा वीडियो नहीं गया था इसलिए मुझे करना पड़ेगा। एंड और ये मैं वेब सीरीज़ भी इंजॉय करती हूँ, तो बस ठीक है, कल बात करते हैं फिर। मेहंदी दिखा रही थी मैं अपना। गुड नाइट। तो आपने सुना ये चीकू जो कहानी की पुस्तक रहती है, पाठ कर जो ये पूजा कर रहे हैं हम लोग नागपंचमी, उसका कहानी मैंने निकाल के रखा था, तो उसे पढ़ने की कोशिश कर रहा है। वो पढ़ लेता है अपने आप से मात्राज वगैरह भी। एंड बस ये पूजा की थाली है, एंड सामने नाग देवता बैठे हुए थे, तो वो सूत धागे का बनाते हैं बेसिकली, तो वो नहीं आ रहा, कैप्चर नहीं हुआ वो ठीक से। एंड मम्मी आ रहे हैं, अपना चुनरी लेने गए थे, तो मैं जब तक टीका वगैरह लगा रही हूँ भगवान जी का। एंड चीकू बैठ गया था वहीं पूजा करने, चीनी की तो क्लासेस चल रही थी। एंड देखो अभी यहाँ पे वो ज़मीन में जो रखे हुए हैं ऐसे मोड़ कर सुतली का या धागे का बना के वहाँ पे रखते हैं, एंड उसमें फूल गुलगुला मूंग चना ये सब चढ़ा चीज़ें चढ़ाई जाती है। तो बस हम लोग पूजा कर रहे थे, एंड कहानी की पुस्तक ले रखी हूँ मैं, तो बस कहानी भी सुनते हैं, नागपंचमी की कहानी भी बोलते हैं इसे, एंड भैया पंचमी भी बोलते हैं। तो हम लोग के में किया जाता है तो वही मैंने शेयर किया। सुबह सुबह पूजा कर रहे हम लोग ये मॉर्निंग में, एंड उसके बाद ही कुछ खाया जाता है, ठंडा खाया जाता है, बट चाय पी लेते हैं हम लोग। तो इस व्लॉग में यहीं पे एंड कर रही हूँ। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।